मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से सकंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है, वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपने नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं मकर राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें, मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो कि दूसरे भाव में बाड़ी के भाव में पूरे महीने जुलाई के रहेंगे। वहां पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, बाड़ी के भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर हम देखें कि राशि स्वामी का गोचर आपके दूसरे भाव में है। पंचमेश आपके शुक्र हैं, 7 जुलाई तक उनका गोचर कर्क राशि में रहेगा, आपके सप्तम भाव में रहेगा, और 7 जुलाई से वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। 7 जुलाई से सिंह राशि में गोचर होगा और 31 जुलाई तक भी वहीं पर वो गोचर में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पंचमेश का गोचर के बाद बुध का गोचर और देख लेते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, तो बुध का गोचर जो होगा आपका 8 जुलाई से कर्क राशि में होगा, सप्तम भाव में, और 25 जुलाई से सिंह राशि में होगा। प्रेम संबंधों के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, और वो चौथे भाव में राहु के साथ युति करेंगे। उनकी युति बहुत अच्छी नहीं है, राहु के साथ होगी और चौथे भाव में होगी। तो यहाँ पर हम प्रेम संबंधों के लिए अगर देखें, तो जुलाई के महीने में दो समय हमें यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में मकर राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे, ये तो निश्चित बात है। मिले जुले परिणाम ही मिलने वाले हैं प्रेम संबंधों में। कुछ समय आपका अच्छा रहेगा, कुछ समय आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो कुछ समय आप सामान्य परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं और कुछ समय आप बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। 7 जुलाई तक का समय, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है, और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है। हालांकि अगर हम देखें, तो पूरा महीना रोमांस से भरपूर रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहने वाला है। इस महीने आपके साथी के साथ आपकी मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, और आप देखेंगे कि रोमांस भी होगा। जिनके नए नए प्रेम संबंध हैं, उनके लिए पूरा जुलाई बहुत बेहतर रहने वाला है, और जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं, उनके लिए जुलाई के महीने में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का जो समय होगा, वो आपको सामान्य परिणाम देगा। 7 जुलाई तक का जो समय है, और उधर 25 से 31 तक का है, वो बहुत बेहतर परिणाम देगा। तो प्रेम संबंधों में अगर कोई भी विवाद चल रहा है, तो आप इस समय पर समाप्त करने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी प्रेम संबंध आपके पहले से थे, लेकिन आजकल कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, दोबारा से संबंधों में आना चाहते हैं, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय भी बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं प्रेम संबंधों में। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय बेहतर है, और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय बेहतर है, जब आप प्रस्ताव दे सकते हैं, अपने साथी के साथ मित्रता के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, और वहां पर आपका प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है। ये समय काफ़ी बेहतर है आपके लिए, और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों में। तो प्रस्ताव देने के लिए ये ज़्यादा बेहतर समय है, जब आप मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं और आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, और प्रेम संबंधों में आपको इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जिस किसी को भी आप प्रस्ताव देते हैं, तो उसके बारे में जांच परख अवश्य करें, क्योंकि इस समय पर अगर आपके जीवन में कोई भी साथी आता है, तो उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। ना जाने समझे किसी से भी मित्रता का हाथ ना बढ़ाएं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में आपके साथी के साथ संबंध तो मधुर रहेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने साथी के साथ पुरानी बातों को लेकर कोई वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखकर
लेकर चलें। पुरानी बातों को लेकर आप छोटे मोटे वाद विवाद को बड़ा कर सकते हैं और आप अपने वाद विवाद सुलझाने में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना लें, डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्रस्ताव देते वक्त भी इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की गलत फहमियों को बड़ा करने से बचें, वरना इस महीने वो गलत फहमियाँ बड़ी हो सकती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि प्रेम संबंधों में अच्छा समय गुजरेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा भी कायम होगा। लेकिन आप ध्यान रखें, मकर राशि वालों की साढ़े साती शनि की अभी चल रही है, तो आप अपने ऊपर तनाव हावी ना होने दें और क्रोध ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो प्रेम संबंधों में तनाव से बचकर रहें, क्रोध हावी ना होने दें और गलत फहमियाँ ना बढ़ने दें। इन तीन बातों का जुलाई के महीने में विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है मकर राशि वालों के लिए, तभी आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर आपका साथी मकर राशि का है, वृषभ राशि का है या फिर कन्या राशि का है, तो आप देखेंगे आपके प्रेम संबंधों में जो भी परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। जुलाई के महीने में इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंधों में आपको परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो वैवाहिक संबंधों में ईमानदार अवश्य रहें, ईमानदारी रखना बहुत आवश्यक है। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहां पर आपके संबंध आपके साथी को पता चल सकते हैं और वाद विवाद हो सकता है। तो वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी रखें, और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं, आप अपने मतभेद समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए यही समय ज्यादा बेहतर है जब आप 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में अपने साथी को मना सकते हैं, अपने मतभेद दूर कर सकते हैं। और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय भी ज़्यादा बेहतर है, आप प्रयास कर सकते हैं और आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। महीना रोमांटिक रहने वाला है, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और आपके रोमांस भी रहेगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक के बीच में किसी भी प्रकार के व्रत के बाद विवाह से बचकर रहें और वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वहाँ पर आपकी वाणी के चलते कोई भी बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वैसे अगर देखें तो संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत ही आवश्यक होगा, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, आप देखेंगे दोनों जगह आपका रोमांस ज़्यादा रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में रोमांटिक समय ज़्यादा रहेगा, आपके साथी के साथ मुलाकातें भी होंगी और रोमांस भी होगा, और वहाँ पर आप साथी के साथ अपना समय भी गुजारेंगे, कहीं छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। लेकिन पुरानी बातों को लेकर व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं, वहां पर थोड़ा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मकर राशि वालों को जुलाई के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी शनि हैं, तो शनिवार वाले दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को लोहे के बर्तन का दान कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, तो वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। दोनों उपाय कर सकते हैं या दोनों में से एक उपाय भी कर सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।